अलीगढ़ में भाजपा नेता के गुर्गों ने एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। इसके बाद भाजपाई पुलिस पर ही दबाव बनाने के लिए फोन घनघनाने लगे। इस घटना ने साफ कर दिया है कि अब भाजपा भी समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की तरह विवादों में बनती नजर आ रही है। हालांकि मामले में पुलिस भी कोई कार्रवाई करने से हिचकिचाती नजर आई और मामले में भाजपा नेता के खिलाफ सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अलबत्ता उसके गुर्गों के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला दर्ज जरूर कर लिया है। सुनिए करेंटी करप्शन इंस्पेक्टर की जुबानी, क्या हुआ पूरी घटना। उधर से ये मालिक आए जिसको लेके गए, उसके दो लड़के और थे, आके तुरंत और इसका स्टाफ से बात भी शुरू करके बिना पूछे। तो आप क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। कहाँ से आए, किस उसमें हैं आप? थाना प्रभारी एंटी करप्शन अलीगढ़ मंडल। अच्छा अच्छा, तो कहाँ पर, किस जगह हुआ ये? यही पर मारा, यहाँ से वहाँ तक मारा। कितने लोग होंगे तकरीबन? कितने लोग होंगे तकरीबन? 4-5 होंगे कम से कम। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? वही बताया तो आपको, गाड़ी खड़ी खड़ी करिए, यहाँ से गाड़ी हटाओ, अपने घर ले आकर खड़ी करो। यहाँ से गाड़ी पूरी साइड में खड़ी है, आपके सामने गाड़ी साइड में खड़ी है, राइट से पेट्रोल पंप पे खड़ी, रोड के किनारे खड़ी है। ठेकेदार है यहाँ से अर्जुन, उन्हीं का मैं वेट कर रहा था, या पीछे से आ रहे थे। चलो तो मेरे ठेकेदार आ रहे, बस हटा रहा हूँ। हालांकि विवाद पेट्रोल पंप के सामने गाड़ी खड़ा करने को लेकर था, लेकिन गाड़ी खड़ा करने को लेकर हमलावर हो जाना कहाँ की कानूनविद कार्रवाई है। बहरहाल एसएसपी ने क्या कहा सुनिए। तस्वीर में प्रस्थित एक पेट्रोल पंप पर आज एक पुलिसकर्मी के साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी के नाक पर चोट पहुंची। पुलिसकर्मी को मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया गया है तथा मौके से पेट्रोल पंप पे कार्यरत 4 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।